मैं राइस फील्ड में पहुंच गया हूँ नीचे। मैंने एक बंदे की तस्वीर जो है उससे परमिशन लेके ली है और वो भाई साहब ने आगे से पैसे मांग लिए। इस राइस फील्ड्स को किस तरह से यूटिलाइज किया यहाँ पे। बाली, वन ऑफ द बेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन इन द वर्ल्ड। और इनका एग्रीकल्चर सिस्टम दुनिया में फेमस है। दे कॉल्ड सुबक। आई एम लिविंग फॉर राइस फील्ड टुडे और फोटोग्राफी भी करेंगे। मैं राइस फील्ड में पहुंच गया हूं नीचे। जो हैं वो चावल की पाकिस्तान में भी हैं लेकिन पाकिस्तान में इस तरह से नहीं है। हिली एरिया में जहाँ तक मेरा ख्याल है, अगर है भी तो इस तरह से कार्विंग नहीं है। इनका स्ट्रक्चर बहुत प्यारा है और सब ये देखें कि इन्होंने इस राइस फील्ड्स को किस तरह से यूटिलाइज़ किया है यहाँ पे फार्म्स बना के, मज़े मज़े की टूरिस्ट अट्रैक्शन बना के, टूरिज़म किस तरह से लेके आया जाए। एक तस्वीर लेने की कोशिश की बंदे से और उसने मुझे कहा है कि पैसे लगेंगे अगर आपने तस्वीर लेनी है। और ये यूनिक एग्रीकल्चरल सिस्टम यूनेस्को भी रिकॉग्नाइज करता है। एक दो फोटोज मैंने ले ली हैं चुपके से सिर्फ दिखाने के लिए। ये राइस फील्ड का जो है वो दूसरा पार्ट है। ले जी, मैंने एक बंदे की तस्वीर जो है उससे परमिशन लेके ली है और वो भाई साहब ने आगे से पैसे मांग लिए। मैंने टिकट दी है, टिकट के पैसे दिए हैं तो ऑब्वियसली लोग तो वहाँ से वापस आ रहे हैं लेकिन मैं पूरा एक्सप्लोर करके जाऊंगा क्योंकि 25,000 दिया है। इंडोनेशिया इज वन ऑफ द बिगेस्ट राइस प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना एंड इंडिया। मेरे ख्याल से ये परफेक्ट स्पॉट है फोटोग्राफी का। इधर देखते हैं थोड़ी सी वाइल्ड लाइफ तो नहीं लेकिन थोड़ी सी नेचर फोटोग्राफी करते हैं। ये देखें, ये राइस फील्ड है, छोटा सा पार्ट है और इसके जो है अंदर इन्होंने ये राइस लगे हुए हैं। ये कोक का कैन लगाया हुआ है यहाँ पे इस तरह से करके, ये प्लास्टिक बैग है। ये मुझे नहीं समझ आया कि क्या सीन है लेकिन अगर आपको समझ आता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या सीन है, ये क्या, कौन सी टेक्नोलॉजी जो है वो यूज़ की हुई है उन्होंने। ये ले, काम पे चढ़ा था, काम से निकल आया हूँ। ये पूरी ऊपर से फार्मिंग हो रही है मेरे ख्याल से, और बड़ी यूनिक जो है वो मशीन लेके इस्तेमाल कर रहा है लड़का।